चलो तो यहाँ पे पहले तो हम अपना ब्लॉक बना लेते हैं। हो गया, अब हम इसके ऊपर प्रश्न पढ़ते हुए यहाँ पे पहले ऑल रेशियो लिखेंगे। अब देखो ऑल रेशियो इसको जो लोगों को मिल रहा था उसमें उसको अभी नया रेशियो मिलेगा, तो ओल्ड में से अगर हम न्यू को माइनस करेंगे तो क्या होगा? अगर ओल्ड ज़्यादा है और न्यू कम है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसको दो का त्याग करना पड़ा, है ना। अगर ओल्ड कम है और न्यू ज़्यादा है तो इसका अर्थ क्या हुआ, उसको -2 आएगा, मतलब उसको लाभ मिलेगा। न्यू में ज़्यादा आ रहा है ना तो -2 आएगा तो उसको लाभ मिलेगा, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये चैप्टर में थोड़ा उल्टा किया जाता है, ये चैप्टर में क्या किया जाता है, लाभ का प्रमाण ढूंढना है इसलिए थोड़ा उल्टा करते हैं हम। पहले न्यू को लिखते हैं बाद में ओल्ड लिखते हैं, क्योंकि हमें लाभ का प्रमाण ढूंढना है। तो पहले लोग न्यू को लिखते हैं बाद में ओल्ड को लिखते हैं, ताकि जो प्लस में आंसर आए उसको हम क्या बोल सकें, गेन बोल सकें, है ना। तो इस बार हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, आपको भी थोड़ा मज़ा आएगा, रोज़ सेम सेम नहीं मज़ा आएगा। एम एन सी मल्टीनेशनल कंपनी, ओके चलो। इसका अनुपात क्या है, ओल्ड पर ओल्ड अनुपात क्या है, 1/3। न्यू अनुपात क्या है, 1/2। अरे सॉरी, एन का क्या है, 1/2, और सी का है 1/6। तीनों का मिला लिया जाए तो पहले तो मिलाने के लिए आपको समान तो बनाना पड़ेगा, तो पहले समान बना देते हैं। 1/6, सॉरी इसको 2/2 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, एक तो आ गया 2/6। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6, है ना। तो अभी तीनों का टोटल करें तो 6/6 हो रहा है, ओके। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, प्रमाण में बांटने, सी निवृत्त होता है, तो सी जो है निवृत्त हो जाएगा तो उसको नए प्रमाण में तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सी का भाग एम को मिलेगा। क्या निश्चित किया, सी का भाग किसको मिलेगा, पूरे का पूरा एम को ही मिलेगा, एन को कुछ नहीं मिलेगा, है। तो सी का भाग कितना है, 1/6, वो पूरे का पूरा लाभ किसको मिल जाएगा, एन को मिल जाएगा, है ना। चलो इसका अर्थ क्या हुआ कि न्यू में क्या होगा, उसको पुराना प्रमाण 2/6 तो मिल ही रहा था, उसके अलावा एम को कितना मिलेगा, 1/6 मिलेगा, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसको कितना मिलेगा, 3/6 मिलेगा, है ना। जबकि एन को तो 3/6 मिल रहा था, उसको नए में तो कुछ नहीं मिल रहा है, लाभ उसको कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो है। इसका अर्थ क्या हुआ, उसका 3/6 ही रहेगा, है ना। तो नया प्रमाण कितना हो गया, एम और एन का 3×3 या फिर 1×1, समान प्रमाण हो गया नया। अच्छा थोड़ा प्रैक्टिकल से देख लें, चलो समझ लीजिए कि यहाँ पे बटे में 6 लिखा है, तो सबसे बड़ा 6 ही है, तो मैं 6 ले ले 600 ले लूँ, 6000 ले लूँ, 6000 ले लेता हूँ। चलो ख्याति का मूल्यांकन, अगर ख्याति का मूल्यांकन 6000 है तो वो क्या समझा रहा है आपको, कि अगर उसका 6000 है तो उसके पुराने प्रमाण में हम उसको बांटेंगे, तो 6000/3 मतलब 2000, 6000/2 मतलब 3000, और 6000/6000 मतलब 1000, इस हिसाब से वो बांट देला, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि सी का भाग एम को मिलेगा, तो एम को कितना लाभ मिलेगा, 1000 का लाभ मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, न्यू प्रमाण कैसे मिलेगा, ओल्ड और गेन का प्लस कर देंगे, है ना। तो ओल्ड कितना था, उसको 200 तो मिल 2000 तो मिल ही रहा था, प्लस उसको 1000 अधिक मिलेगा तो इसको 3000 मिलेगा, है ना। जबकि एन को 3000 मिल रहा था, उसको कुछ नया नहीं मिलेगा, तो उसको 3000 का 3000 ही रहेगा, और 3000 और 3000 में 0 0 काट दे तो क्या हो जाएगा, 3×3 हो जाएगा, और आपका अनुपात 1×1 आ जाएगा, जो कि सही आंसर है। चलो पहले ब्लॉक बना दें, ठीक है। क्लियर, चलो
अब हम क्या करें? नाम लिख देते हैं एस एस ई बी, ओके, और आई भी है, आई भी है, ओके, चार चार जने हैं, ओके, चारों का अनुपात पहले ओल्ड यहाँ पे लिखो ना, बीच में पहले न्यू लिखना है, तो क्या मिलेगा हमको? गेन मिलेगा, लाभ मिलेगा। न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे तो गेन मिलेगा। अभी अनुपात कितना है? चार जेम तीन जेम दो जेम एक, टोटल कितना होता है इन सब का? दस बटे दस, इसके बटे में दस, इसके बटे में दस, टोटल होगा दस बटे दस। क्लियर? चलो, के लाभानी प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं बी और आई, दो जने निवृत्त हो रहे। कौन कौन निवृत्त हो रहे? बी और आई दो जने निवृत्त हो रहे। अब क्या करेंगे? परेशान हो गए। बी का लाभ का भाग एस को और आई का लाभ का भाग ई को मिलेगा, तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, ई तो है, बहुत हार्ड तो नहीं है। अगर हार्ड हो, मतलब अगर ऐसा बोला बी और आई का मिला कर, पहले मिलाना पड़ता, टोटल करना पड़ता, बाद में उसका अनुपात निकालना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पे सीधा ही दिया है बी का लाभ का भाग, बी का लाभ का भाग एस को और आई का लाभ का भाग ई को मिलेगा, तो बी का लाभ की का भाग एस को मिलेगा, मतलब एस को वो लाभ होगा, बी का जो भाग है वो एस को मिलेगा, एस के लिए वो लाभ हो जाएगा, और आई का जो लाभ है वो ई को मिलेगा, आई का जो भाग है वो ई के लिए लाभ हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तो अनुपात में बटे में दस है, समान ही है, तो न्यू प्रमाण बराबर कैसे मिलेगा? न्यू प्रमाण कैसे मिलेगा? ओल्ड को अगर राइट साइड ले जाए तो माइनस में से प्लस हो जाए, तो गेन माइनस गेन प्लस ओल्ड हो जाएगा। हाँ, अगर सूत्र के हिसाब से देखें तो न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन है, तो ओल्ड को बराबर के राइट साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा? न्यू इज इक्वल टू गेन प्लस ओल्ड। हम ऐसा ही करते हैं ना प्रैक्टिकल, नया प्रमाण जो है तो पहले उसको चार बटे दस तो मिल ही रहा था, तो गेन में ओल्ड प्लस कर देते, चार बटे दस तो मिल ही रहा था, उसके अलावा उसको दो बटे दस मिल रहा है। इसी तरह ई को तीन बटे दस तो मिल ही रहा था, उसके अलावा एक बटे दस मिल रहा है, तो इसको टोटल कितना मिल रहा है? छः बटे दस मिल रहा है। इसको कितना मिल रहा है? चार बटे दस मिल रहा है। तो ई एस और ई का नया प्रमाण कितना हो गया? एस जेम ई का, ये तो निवृत्त हो गए ना। एस और ई का नया प्रमाण कितना हुआ? छः जेम चार, अगर उसको दो से डिवाइड करें तो तीन जेम दो। क्लियर? चलो प्रैक्टिकल देखना है। सबका टोटल होता, मतलब सबके ला बटे में सबसे बड़ा है दस, तो हम दस ले सकते, सौ ले सकते, हजार ले सकते, दस हजार ले सकते हैं। चलो हम इस बार दस हजार ले लेते हैं। अगर ख्याति का मूल्यांकन दस हजार है तो पहले ये चारों को कितना मिलता? तो इसको मिलता चालीस हजार, चार हजार, इसको मिलता 3000, इसको मिलता 2000 और इसको मिलता 1000। अभी क्या बोला है यहाँ पे? बी और आई निवृत्त होते हैं, तो 2000 में से इसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो निवृत्त हो जाएगा। बी का लाभ का भाग एस को मिलेगा, बी का जो लाभ का भाग है 2000 वो एस को मिलेगा, मतलब वो चार यहाँ पे 3000 2000 मिलेगा इसको, इसके लिए लाभ हो जाएगा। और आई का लाभ का भाग ई को मिलेगा, तो आई का लाभ का भाग 1000 जो है वो ई को मिलेगा, मतलब एक ई के लिए वो गेन लाभ हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे? पहले 4000 तो उसको मिल ही रहा था, उसके अलावा 2000 मिल रहा है। इसी तरह यहाँ पे 3000 तो मिल ही रहा था, उसके अलावा उसको 1000 मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा? 6000 मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा? 3 और 1 4000 मिलेगा। तो एस और ई का प्रमाण वही हो गया, जीरो निकाल दो तो 6 जेम 4 हो गया, और वही हमारा अनुपात है, तो चेक हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं। यू पी ए, नया प्रमाण यहाँ पे, नया पहले लिख देता हूँ, पहले पुराना बीच में लिखता हूँ, दोनों तरीके से कर सकते हो, आपका गलत नहीं जाएगा, ये तो मैं ऐसे अलग अलग तरीके बता रहा हूँ आपको। 4 जेम 3 जेम 2 के अनुपात में बांटेंगे तो इस तीनों का टोटल क्या होगा? 5 और 4 9 हो जाएगा,
तो 9/9 सबका टोटल हो जाएगा। ओके, यू निवृत्त होता है तो उसको नए प्रमाण में तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि नए उसके बाद वो होगा भी नहीं। पी और ए के बीच लाभानी का नया प्रमाण दो जन। अरे बाप रे वाह, जबरदस्त, नया प्रमाण दे दिया आपको, नया प्रमाण दे दिया दो जेम एक। एक मिनट पहले ही खत्म कर लेता हूँ तुम्हें, एक मिनट है पूछना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका वैल्यू हो रहा है वन, इसका वैल्यू वन होना चाहिए है ना, और यहाँ पे नया प्रमाण दिया है दो जेम एक है ना, तो नया प्रमाण दे दिया आपको, आपके लिए तो बहुत बढ़िया हो गया। इसका टोटल कितना होता है, तीन, दो और एक तीन होता है ना, मतलब यहाँ पे टोटल में 3/3 मतलब वो हो गया एक है ना, तो धंधे का कुल लाभ एक हो गया। चलो ठीक है, तो अभी पी और एक का लाभ का प्रमाण त्याग निश्चित कीजिए, और हमें वैसे भी ले गेन मतलब लाभ का सूत्र तो हमें पता ही है, न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन है ना, तो इसी हिसाब से हमने लिखा था। तो देखो यहाँ पे पहले तो उसको सेम करने के लिए हमें उसका बट्टे में सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको 3/3 कर देते ताकि 9 हो जाए, 3 दूनी 6/9। इसी तरह यहाँ पे भी 3/3 कर देते हैं ताकि यहाँ पे भी बट्टे में 9 आ जाए, 3/9 है ना, और ऊपर तो देखो 6 6 और 3 9/9 हो गया सेम। ओके, तो अभी न्यू माइनस ऑल, तो हमें गेन मतलब 6/9 माइनस 3/9 इज इक्वल टू, 6 में से 3 गया तो, 6 में से 3 गया तो 3/9, मतलब इसको पहले पहले 2/9 मिल रहा था, अब उसको 3/9 मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1/9 ज़्यादा मिल रहा है, वो जो ज़्यादा मिल रहा है वो उसका लाभ हो गया है ना, लेकिन यू के लिए वो त्याग हो जाएगा, पहले कुछ नहीं मिल रहा था, सॉरी पहले 4/9 मिल रहा था लेकिन बाद में कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब न्यू माइनस ओल्ड माइनस में 4/9 होगा और माइनस में हो गया, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, सेक्रीफाइस या त्याग बोल सकते हैं। क्लियर, तो ये आपका गेन का, पी और ए का गेन का प्रमाण कितना आया, 3/1 आया गेन का प्रमाण, लाभ का प्रमाण, ठीक है।